अक्सर मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि आखिर श्री राम का नील वर्ण कैसे है, यानी कि उनके शरीर का रंग नीला कैसे हुआ, और किसी इंसान का शरीर नीला रंग का हो सकता है क्या? वैसे श्री कृष्ण का जिस तरह से श्याम रंग है वो तो समझ आता है, लेकिन श्री राम के नील वर्ण और कृष्ण के काले रंग के पीछे एक खास समानता है जो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आइए जानते हैं। भगवान का ये रंग उनके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। दरअसल इसके पीछे भाव है कि भगवान का व्यक्तित्व अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जिस तरह से आकाश की कोई सीमा नहीं होती, वो अनंतता का भाव दर्शाता है, वो अंतहीन है। ठीक उसी तरह राम और कृष्ण के रंग इसी आकाश की अनंतता के प्रतीक हैं। राम का जन्म दिन में हुआ था, दिन के वक्त का आकाश का रंग नीला होता है। इसी तरह कृष्ण का जन्म आधी रात के वक्त हुआ था और रात के वक्त आकाश का रंग काला प्रतीत होता है। दोनों ही परिस्थितियों में भगवान को हमारे ऋषि मुनियों और विद्वानों ने आकाश के रंग से प्रतीकात्मक तरीके से दर्शाने के लिए ही काले और नीले रंग का बताया है। बता दें कि भगवान राम आदर्श व्यक्तित्व के प्रतीक हैं। अतीत का हो या वर्तमान का, जनमानस ने राम जी के आदर्शों को खूब समझा परखा है। राम जी का पूरा जीवन आदर्शों संघर्षों से भरा पड़ा है। राम सिर्फ एक आदर्श पुत्र ही नहीं, आदर्श पति और भाई भी थे। वर्तमान संदर्भों में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों का जनमानस पर गहरा असर पड़ा है। संपूर्ण भारतीय समाज के जरिए एक समान आदर्श के रूप में भगवान श्री राम को उत्तर से लेकर दक्षिण तक संपूर्ण जनमानस ने स्वीकार किया है। उनका तेजस्वी और पराक्रमी स्वरूप भारत की एकता का प्रत्यक्ष चित्र उपस्थित करता है। कहते हैं कि कलयुग में ना तो योग ना यज्ञ और ना ज्ञान का महत्व है, एकमात्र राम का गुणगान ही जीवों का उद्धार है। संतों का कहना है कि प्रभु श्री राम की भक्ति में कपट दिखावा नहीं, आंतरिक भक्ति ही आवश्यक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।